कुख्यात डकैत फूलन देवी की पूजा हो रही है। शारदीय नवरात्र में माँ को छोड़ के फूलन देवी की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। क्या फेमस होने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं आप? और भी डकैत रहे हैं, उनकी पूजा भी कब शुरू करेंगे आप? हाँ, तो नीचे माँ दुर्गा माता, ऊपर जो है फूलन माता, क्या इनको पैसा दे के इस तरीके से फूलन देवी जी का पूजा करवाया जा रहा है ताकि हिंदू धर्म को भ्रष्ट किया जाए, बदनाम किया जा सके? पैसा अगर मिलता लेते आप पैसा? पूरा देश इस वक्त माँ दुर्गा माँ अम्बे की पूजा कर रहा है, लेकिन इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ वहाँ पे किसी माता का पूजा नहीं हो रहा है, किसी देवी का पूजा नहीं हो रहा है, बल्कि कुख्यात डकैत फूलन देवी की पूजा हो रही है। इस वक्त मैं जौनपुर जिले के ओइना गांव में हूँ और मेरे साथ ये शख्स हैं जो इस वक्त फूलन देवी की पूजा कर रहे हैं। नवरात्रि का मौसम चल रहा है, आमतौर पर पूरे देश में माता की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है। हम जानना चाहेंगे कि ये फूलन देवी की पूजा क्यों कर रहे हैं, आखिर इनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि इन्होंने शारदीय नवरात्र में माँ को छोड़ के फूलन देवी की पूजा अर्चना शुरू कर दी है, क्या कारण है? थोड़ा तेज बोलिएगा। मैं केवल रामधनी बिंद जी, और शारदीय नवरात्रि चल रही है जी, और शारदीय नवरात्रि में मेरी मेरा जो व्यक्तिगत मामला है और जो मैं माँ फूलन देवी, मैं इनको माँ मानता हूँ, और लोगों के लिए भाई वो डकैत हो सकती हैं, उस पर मैं वो टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सबकी अपनी अपनी भावना, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो मेरे लिए ये मेरी प्रेरणा स्रोत हैं, इसलिए मैं इनको एक माता समझ के इनको पूजने का काम। प्रेरणा स्रोत क्यों है? जो हिंदू धर्म की देवी है वो आपकी प्रेरणा स्रोत नहीं है? देखिये, इनकी कहानी क्या, इनको लोगों ने देखा, इनका इनके बारे में पढ़ा भी गया है और जो सच्चाई भी है, किस तरह इनके ऊपर अत्याचार और शोषण किया गया। जो इनका शोषण किया गया, तो चाहे कोई भी समाज का वर्ग हो तो उसे झुकला नहीं सकता है कि सब बोलेंगे ये घोर निंदनीय, इनके साथ गलत हुआ। मैं भी मानता हूँ कि इनके साथ जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। मैं भी एक क्षत्रिय हूँ और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, और मैं तो ऐसा कहता हूँ जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें कीड़े पड़ने चाहिए। 7 जन्म तक वो है जो ऐसे रूप में इस धरती पर आए, इतने घिनौने रूप में आए जिसकी कोई कल्पना ही ना हो, लेकिन फिर भी ठीक है, ये एक इंसान थी। आज आप इन्हें जो है भगवान बना के पूज रहे हैं, ये भी इन्होंने भी गलत रास्ता अपनाया एक तरीके से, बाद में डकैत बनी और एक जो भी समाज था इनके सामने सबको टारगेट किया। 5 लोग किसी समाज से गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरे समाज को टारगेट कर लेना कितना सही हो सकता है? और भीम आर्मी के लोग कह रहे हैं कि ये भीम आर्मी के आदमी है, इसीलिए जो है ये पूरा पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, भीम आर्मी कि हम व्यक्ति नहीं हैं, हम एक साधारण व्यक्ति हैं, मतलब एक गांव में एक साधारण किसान है, मतलब कोई हमारा कोई पॉलिटिकल मतलब किसी संबंध नहीं है, मतलब किसी से कोई मेरा पॉलिटिकल संबंध नहीं है। तो उनकी जो मनसा होगी, उनका जो मनगढ़ कहानी होगा, किसी पे हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। मेरी एक श्रद्धा है इनकी प्रति, फूलन देवी की, बस मेरी एक श्रद्धा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ मतलब। तो आप ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आपकी जो श्रद्धा, आप तो ये भी चाहते होंगे कि जो आपका समाज है वो भी इस बात को माने। देखिए, कैसे थोपिएगा अपने समाज के ऊपर? यह मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि मैं अपने समाज पे इसको थोपूं, मतलब ठीक है, अगर थोपना होता तो यही मेरा गांव है, मेरे यहाँ समाज के लोग हैं, ठीक है, आप जाके पूछ सकते हो। मेरे गांव में ही लोग को नहीं मालूम है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरे गांव में ही किसी को पता नहीं है कि मैं माँ फूलन देवी जी का पूजा कर रहा हूँ, मतलब कोई आपके गाँव में किसी को नहीं पता चला, देश की मीडिया को पता चल गया, कैसी बात है ये? सच्चाई है, मीडिया देखिए, जो मीडिया चलाता है सोशल मीडिया चलाते, लेकिन मेरे गांव के आसपास कुछ पता है नहीं। अगर हम चाहते हैं कि समाज हमारे इसको ले, तो मैं तमाम लोग बुलवाता, यहाँ बैठाता और बोलता कि पूजा कर रहे हैं, प्रसाद को बांटते हैं। तो अच्छा ये बताइए, और भी डकैत रहे हैं, उनकी पूजा भी कब शुरू करेंगे आप? देखिए, और रहे डकैत उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन जो इनके साथ हुआ, मतलब जिस तरह के शोषण, सारे जितने लोग भी डकैत बने हैं या बागी बने, उनके साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। ऐसे एक पान सिंह तोमर भी रहे हैं, तो पूजा शुरू होनी चाहिए उनकी भी, मानते हैं आप? उनको मेरे, हमारे पहली बात की मेरे समाज की है, ये मेरे समाज की इस, और ये मेरे समाज की होने के नाते मैं इनको अपनी माँ मानता हूँ, और मैं इनसे काफी ज्यादा प्रभावित हूँ। निश्चित तौर पे आपने ये बात बार बार बताई, मुझे ये बताइए, हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं आप, सनातन धर्म को आप मानते हैं, या फिर इससे भी आप खिन्न हैं? देखिए, इससे हम कोई खिन्न नहीं है, आप आए होंगे तो हमारे माँ दुर्गा जी की प्रतिमा है, मंदिर है छोटा सा, हाँ, तो नीचे माँ दुर्गा माता, ऊपर जो है फूलन माता, क्या हम समझे, क्या इसका अर्थ निकाले? यहाँ अगल बगल भी हो जाता अगर एक आध तस्वीर, देखिए माता जी की इनकी बराबरी उनसे नहीं की जानी चाहिए, मतलब ठीक है। तो आप मानते हैं कि ये उनसे सर्वश्रेष्ठ हैं? नहीं, यह हम नहीं मानते कि मतलब फूलन जी उनसे सर्वश्रेष्ठ है, मतलब यह बराबरी का मानते हैं, बराबरी का भी नहीं मानते हैं, क्योंकि भाई जैसे हमने कहा कि हमारी श्रद्धा की ये भी एक इंसान थी, मतलब इन्होंने संघर्ष किया। देखिए, किसी को पूजना
जैसे हम आपको ही पूछ सकते हैं, अगर आप भगवान या देवता की भाषा और भी है कि जो कोई दुख या संकट में कोई आदमी मदद करता है तो उसको आदमी आप भगवान मिल जाए मुझे, आपने सारा जी आप मेरे लिए भगवान हो, सब लोग कहते ही नहीं कहते हैं, तो कुछ समय के लिए भाई जिसने मदद किया घोर संकट में वो उसकी व्यक्ति उसके भगवान बन जाता है। जो तो क्या मतलब उसको मतलब अनेक क्या कहते हैं किसी ढंग से पेश थोड़ी क्या कहते हैं घुमा फिरा के इसी तौर पे। तो हम ये माने कि हिंदू धर्म से आपको कोई खास समस्या नहीं है, कोई समस्या भीम आर्मी अभी आपने ज्वाइन की नहीं है, लेकिन भीम आर्मी के लोग आपको लगातार ऑफर दे रहे हैं। देखिए अगर भीम आर्मी ऑफर देते तो हमारे उनको आ जाना चाहिए था, मतलब क्यों नहीं आए, चाहते हैं आप भीम आर्मी आए यहाँ। भीम आर्मी की अगर ऐसी मंशा होती ठीक है, अभी तो मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ ठीक है, भीम आर्मी वाले कह रहे हैं कि नहीं हम भीम आर्मी के आदमी हैं, तो अगर हम उनके होते तो उनको वो लोग हमारे यहाँ होना चाहिए था। मतलब उस मीडिया वालों ने तो ये भी खबर चला दिया कि भाई इनको पैसा दे के इस तरीके से फूलन देवी जी का पूजा करवाया जा रहा है ताकि हिंदू धर्म को भ्रष्ट किया जाए, बदनाम किया जा सके। ऐसी कोई नहीं है, कोई पैसा वैसा नहीं दिया है फूलन देवी का पूजा करने के लिए आपको? देखिए सारा सिस्टम आप दे सकते हैं, हमारा कैसा सिस्टम है ठीक है, हम बहुत पैसे वाले नहीं है ना, हमको पैसे की लालसा है। अब पैसा अगर मिलता लेते आप पैसा? देखिए पहली बात हम पैसा लेते भी नहीं क्योंकि हम एक स्वच्छ और साफ सुथरे आदमी हैं और किसान आदमी हैं भाई, अपनी अपनी संविधान के अंदर सबको आज़ादी है कुछ चाहे जिसको भगवान माने।